बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास एंड आई एम योर टीचर सरू मैम। स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 8, नाम है इसका बायोटेक्नोलॉजी। और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को आज हमने डिटेल में पढ़ना है। तो व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? बच्चों, फर्मेंटेशन को एक्चुअल में ना एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। हमने पिछले चैप्टरों में, पिछली 9th क्लास में भी हमने रिस्पायरेशन पढ़ा था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन रिस्पायरेशन कहलाता है। और अगर ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटे, बिना ऑक्सीजन के, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ ग्लूकोज ब्रेक, देन दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फर्मेंटेशन। इट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एटीपी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। सो हमारे पास ग्लूकोज होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में ये ऑक्सीजन की मदद से टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलती है और एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बट इन फर्मेंटेशन ये ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ब्रेक होता है, बिना ऑक्सीजन के ये टूट जाता है। अब जब ये टूटेगा तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो दो हो सकते हैं, या तो अल्कोहल मिलता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, या फिर लैक्टिक एसिड मिलता है। तो यहाँ फर्मेंटेशन की दो टाइप्स हो जाएंगी, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ग्लूकोज को जब फर्मेंटेशन करते हैं तो ग्लूकोज ब्रेक होकर अल्कोहल बन जाता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो फिर लैक्टिक एसिड बनता है, साथ साथ एटीपी भी रिलीज होती है, जिससे उन ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिल जाती है। तो ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन ही होता है, और इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं कि ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक हो। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जब ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो वो अल्कोहल प्रोड्यूस कर लेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म जब ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर लेंगे। अब ऑर्गेनिज्म को ग्लूकोज तोड़ने पर एटीपी मिल जाती है, जिससे वो एनर्जी हासिल कर लेता है। बट इन बायोटेक्नोलॉजी हम इस फर्मेंटेशन में हासिल होने वाले ये जो दो प्रोडक्ट होते हैं, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, इनका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। हम ग्लूकोज लेते हैं और उस पर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस ग्लूकोज को ब्रेक कर देंगे। अब या तो अल्कोहल बना लेंगे या लैक्टिक एसिड बना लेंगे, और हमें दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, अल्कोहल मिल जाता है, लैक्टिक एसिड मिल जाता है। सो दिस इज फर्मेंटेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एंड एट द एंड ऑफ फर्मेंटेशन आइदर अल्कोहल इज प्रोड्यूस और लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस। अब बच्चों, इसके अगर जरा मैकेनिज्म को थोड़ा और डिटेल में समझाऊं मैं आपको, तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस वगैरह, ये क्या करते हैं जी, ये ग्लूकोज को ब्रेक करना शुरू करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। सो बिना ऑक्सीजन के जब ये ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो सबसे पहले दो पाइरोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये दोनों तरह की फर्मेंटेशन में होगा, दो पाइरोइक एसिड्स बनते हैं, बल्कि ये दोनों तरह की फर्मेंटेशन में भी होगा, और जो एरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं ना उसमें भी यही होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ना, उसमें भी यही होता है कि ग्लूकोज ब्रेक होके दो पाइरोइक एसिड्स बनते हैं, और इस स्टेज को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। 9th क्लास में आपको याद होगा पढ़ा था आपने एरोबिक रिस्पायरेशन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसमें पहली स्टेज यही होती थी, ग्लाइकोलाइसिस। सो बट हम यहाँ फर्मेंटेशन पर बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज जब बिना ऑक्सीजन के ब्रेक होता है तो दो पाइरोइक एसिड्स बनते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं इस स्टेज को। अब यहाँ से फिर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अब इस पाइरोइक एसिड को जब ब्रेक करेंगे तो अल्कोहल बना लेंगे, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो अब जो पाइरोइक एसिड्स को जब ब्रेक करेंगे तो वो लैक्टिक एसिड बना देंगे। तो अब यहाँ पे फिर वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो पाइरोइक एसिड को किस में ब्रेक करता है, लैक्टिक एसिड में या फिर अल्कोहल में। दोनों सूरतों में एटीपी रिलीज होती है, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल जाती है। सो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फर्मेंटेशन। अब यहाँ टाइप्स पर भी बात कर लेते हैं।
चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो ही तरह का फर्मेंटेशन हो रहा है, एक में अल्कोहल बनता है, एक में लैक्टिक एसिड बनता है, तो हमारे पास फर्मेंटेशन की दो टाइप्स होती है। एक कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यह आपको बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ होती है जैसे लैक्टोबैसिला या स्ट्रेप्टोकोकाय, ये करते हैं। इनको अगर आप शुगर प्रोवाइड करें इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर ये शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। जब ये ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे इनको एनर्जी मिलेगी एटीपी की शक्ल में और ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं। सो अगर ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है लैक्टिक एसिड के अंदर, तो इस तरह की फर्मेंटेशन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस फर्मेंटेशन की मदद से फिर हम जो है बायोटेक्नोलॉजी में दही बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं। इसी तरह ये वाला जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये हमारे मसल्स के सेल्स भी करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स के सेल्स को थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए वो एन एरोबिक रिस्पायरेशन शुरू कर देते हैं। और कौन सी वाली? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड द सेकेंड टाइप इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज करती है और जो फंगस होता है यीस्ट, यूनिसेलुलर फंगस, वो ये वाली फर्मेंटेशन करता है। अब ये ऑर्गेनिज्म जब ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, तो ये ब्रेक करेंगे उसको अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और एटीपी भी प्रोड्यूस होता है। फिर इस अल्कोहल को बियर, वाइन, ब्रेड, इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहलाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन की। तो बच्चों, फर्मेंटेशन से हम फूड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं और नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। अगर हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, तो जो फर्मेंटेशन से फूड प्रोडक्ट हासिल होते हैं उनको हम फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं। तो फूड्स के अंदर सबसे पहला तो फर्मेंटेशन के जरिए जो फूड्स बनते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं और ज़्यादा टेस्टियर होते हैं। इसके अलावा ये फूड को प्रिजर्व करने में भी यूज़ होती है। फर्मेंटेशन की टेक्निक फूड प्रिजर्व करने में भी इस्तेमाल होती है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, जैसे ब्रेड, चीज़, योगर्ट, बियर, वाइन, ये सारे फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट होते हैं, फर्मेंटेशन के ज़रिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन को सॉल्ट और एसिड्स के साथ भी यूज़ किया जाता है, ताकि अचार, फ्रूट और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व किया जा सके। सो ये इसका फूड इंडस्ट्री के अंदर फर्मेंटेशन का रोल हो गया। और अगर हम बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखें फूड से हट के, तो फर्मेंटेशन के जरिए हम फॉर्मिक एसिड बनाते हैं, जो टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रबड़ को बनाने की इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसके अलावा इथेनॉल, यानी वही अल्कोहल, अल्कोहल को ही इथेनॉल कहा जाता है, जो कि एक सॉल्वेंट के तौर पर फिर यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा बेवरेजेस, यानी यही वाइन, बियर, इनको बनाने में इस्तेमाल होता है ये इथेनॉल, और विनेगर को बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन से हम ग्लिसरॉल बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, सोप और स्वीटनर बनाने में भी ग्लिसरॉल यूज होता है। एक्रेलिक एसिड्स बनते हैं फर्मेंटेशन से, जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। सो दैट आर द एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं फर्मेंटर की। अब हमने देखा कि हमारे पास फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में एक बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट हो गया। हम यीस्ट को, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके, उनकी फर्मेंटेशन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो फिर ऐसी डिवाइसेस होती है हमारे पास जिन्हें फर्मेंटर कहा जाता है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ये। इनमें हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रोथ कराते हैं, पालते हैं, उनको कल्चर करते हैं, वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि यीस्ट, बैक्टीरिया। तो ये बड़े बड़े कंटेनर हैं जिनके अंदर बड़ा ऑप्टिमम एनवायरनमेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ के लिए। जो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वो सब यहाँ मौजूद होता है। तो यहाँ हम यीस्ट को, बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, हर चीज़ हमने बैक्टीरिया यीस्ट के अतबार से रखी हुई होती है। फिर हमें जब इनसे फर्मेंटेशन करनी होती है, तो ग्लूकोज जो है वो हम इस फर्मेंटर में ऐड कर देते हैं। अब अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस ग्लूकोज को फर्मेंटेशन के ज़रिए ब्रेक करेगा, अपने लिए एनर्जी निकालेगा, हमारे लिए प्रोडक्ट बना देगा, अल्कोहल बन जाएगी, लैक्टिक एसिड बन जाएगी, जो कि फिर फर्मेंटेशन से अलहदा करके उसको फिल्टर कर लिया जाता है, प्यूरीफाई कर लिया जाता है। तो ये एक डिवाइस है जिसके अंदर
ऑप्टिमम एनवायरनमेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ताकि वो ग्रो करके एक बायोमास बन जाए। फिर हम इसमें सब्सट्रेट यानी ग्लूकोज डालेंगे तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे और हमें प्रोडक्ट बना के देंगे, लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल। इसके इस्तेमाल, इसके एडवांटेजेस मैंने आपको बताया। फर्मेंटर को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने एक बड़ा ही एक तो एक कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट होता है। हम यहाँ पर टेम्परेचर को, पीएच को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, इन सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ताकि फिर वो एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट बन जाए हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके अलावा फिर हम इसका एक और इस्तेमाल ये है कि फिर हम जब इन इनके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम प्रोडक्ट देते हैं तो फिर वो बल्क क्वांटिटी के अंदर फर्मेंटेशन करेंगे, और बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा मिकदार में हमें जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। तो ये फिर बल्क क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको, आपके लिए प्रोडक्ट्स, और फिर ये इनएक्सपेंसिव हो जाता है। सो दैट इज़ टूडेज लेक्चर अबाउट फर्मेंटेशन। अब आज के लेक्चर के सेक्शन ए पर आते हैं, एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन एसिडिक फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम। एसिडिक फर्मेंटेशन में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? तो हमने देखा ग्लूकोज पहले पाइरूविक एसिड में ब्रेक होता है, फिर पाइरूविक एसिड फर्दर जब ब्रेक होगा तो या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा। तो लैक्टिक एसिड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम पाइरूविक एसिड। ब्रेड ऑफ राइस इज ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ड्यू टू। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब डबल रोटी बनाने के दौरान इस्तेमाल होता है तो डबल रोटी का जो डब होता है वो थोड़ा फूलता है। क्यों फूलता है ये पूछा जा रहा है, इथाइल अल्कोहल की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल या वाटर। तो देखिए, आटे में हम यीस्ट डालते हैं, यीस्ट एक फंगस है। अब यीस्ट जो है आटे के अंदर जब जाता है तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, आटे में मौजूद ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा और एनर्जी हासिल करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, अल्कोहल तैयार होती है, थोड़ी मिकदार में अल्कोहल तैयार होती है। और उसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम जानते हैं अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसकी वजह से फिर वो डॉप जो है वो राइज होने लग जाता है। एक बबल की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जमा हो रही होती है और डॉप जो है वो राइज हो रहा होता है। फिर ये बबल जो है ये फट जाता है और आपने देखा होगा डबल रोटी में फिर आपको छेद और सुराख मिल रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का बबल था जो रप्चर हो गया। सो ब्रेड डॉग जो है वो राइज हो रहा है इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज आर ब्रोक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एटीपी इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, या फिर इसको आप फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल सेल्स प्रोड्यूस। अगर हमारे मसल्स के सेल्स एक्सरसाइज के दौरान जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, लिहाजा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाइरूविक एसिड ब्रेक डाउन इनटू, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर पाइरूविक एसिड किस कंपाउंड में ब्रेक होता है? तो वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। यहाँ अल्कोहल ऑप्शन है, लिहाजा अल्कोहल को हम मार्क कर देते हैं। कंटेनर यूज टू ग्रो बैक्टीरिया ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड। बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन में यूज होते हैं उनको बड़े पैमाने पर ग्रो करने के लिए जो कंटेनर यूज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आज के लेक्चर में बिल्कुल आखिर में हमने पढ़ा उन्हें फर्मेंटर्स कहा जाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, व्हाट फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड बाय फर्मेंटेशन। आपको फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि फर्मेंटेशन से हासिल होने वाले फूड प्रोडक्ट्स और नॉन फूड प्रोडक्ट्स बताएं। तो ये इसका आंसर है, आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया था, यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, हाउ डज फर्मेंटेशन वर्क। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन। पहले आपने यहाँ फर्मेंटेशन का मैकेनिज्म बताया, वही जो मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया कि ग्लूकोज पहले ब्रेक डाउन होकर पाइरूविक एसिड बनता है जिसको आप ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। फिर ग्लाइकोलाइसिस फर्दर ब्रेक होता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे। कुछ ऑर्गेनिज्म जब इस पाइरूविक एसिड को ब्रेक करेंगे तो लैक्टिक एसिड बनाएंगे, कुछ अल्कोहल बनाएंगे। तो यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लिएगा।
क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फर्मेंटेशन? ऑर्गेनिजम दैट परफॉर्म एन एरोबिक रिस्पायरेशन आर एम्प्लॉयड टू परफॉर्म फर्मेंटेशन लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज लैक्टिक एसिड बैसिलस? एक्सप्लेन इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर रॉड शेप बैक्टीरिया दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लैक्टिक एसिड which is the main product of lactic acid fermentation. It is used in making yogurt and various type of cheese. एक rod shaped bacteria है जो oxygen की गैर मौजूदगी में glucose को break करता है, यानी fermentation करता है, तो कौन सी वाली? Lactic acid fermentation करता है, lactic acid बनाता है। फिर हम इसी lactic acid के इस्तेमाल करके या इसके इस ability का इस्तेमाल करके दही और बहुत सारे किस्म के cheese बना रहे हैं। Formation of curd, when lactobacillus bacteria is added to the milk, the bacteria use enzymes to convert lactose into lactic acid. The lactic acid thus produced decreases the pH of the milk, which curdles the milk protein casein that then separate to form curd. जब आप lactobacillus को milk में डालते हैं तो हमारे milk में एक sugar होती है जिसको lactose कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस इस शुगर को ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और बनाएगा लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड आपके दूध में आता है, इससे दूध की पीएच कम हो जाती है और पीएच के कम होने से दूध में एक प्रोटीन होता है केसिन, वो कर्डल हो जाता है और जब वो कर्डल हो जाएगा तो आप उसको सेपरेट कर देंगे और वो होती है फिर दही। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन इन द फूड प्रोसेसिंग? फूड प्रोसेसिंग में फर्मेंटेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताना। एडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिए, जरा डिसएडवांटेजेस देख लें। सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये आपके खाने को सड़ा रहा है। फंगस, यीस्ट आपके ग्लूकोज पे आ रहा है तो उसको ख़त्म कर रहा है, उसको लैक्टिक एसिड बना रहा है, तो वो फूड आपका स्पॉइल हो रहा है। तो बाज़ औक़ात आपको कुछ प्रोडक्ट्स पे नहीं करना, वहाँ उसमें हो जाते हैं। जैसे अगर आप एक फल लें और बाहर रख दें तो बैक्टीरिया फंगस उसमें उगेंगे, फर्मेंटेशन करने लग जाएंगे। अब वहाँ तो नहीं चाह रहे थे आप, तो फूड स्पॉइल हो जाता है। इसी तरह जो प्रोडक्ट इससे हासिल हो रहा है वो इम्प्योर होता है, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करना पड़ता है। द प्रोडक्ट इज इम्प्योर एंड नीड टू हैव फर्दर ट्रीटमेंट एंड इट स्पॉइल्स द फूड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट फैक्टर कैन इफेक्ट द फर्मेंटेशन प्रोसेस? वही फैक्टर्स जो है इफेक्ट करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। सेवरल फैक्टर्स कैन इफेक्ट द फर्मेंटेशन प्रोसेस, टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड सब्सट्रेट कंसंट्रेशन आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर फर्मेंटेशन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेवन, नेम सम ऑफ द फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। ब्रेड, योगर्ट, चीज, चॉकलेट, फर्मेंटेड पिकल्स, सॉसेज, सोया सॉस, केक, सिलेज आर सम ऑफ द फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज फर्मेंटर, व्हाट आर इट्स एडवांटेज? फर्मेंटर इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम एनवायरनमेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इनटू अ बायोमास सो दैट दे कैन इंटरैक्ट विद अ सब्सट्रेट फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। Advantages of fermenter. A fermenter optimizes the growth of the organism by controlling many factors like nutrients, oxygen, growth inhibitors, pH and temperature. A fermenter may hold several thousand liters of growth medium, so fermenters allow the production of material in bulk quantity and this production proves much inexpensive. Question number 9, why bread has small holes in it or why bread does rise during bread making? Breads are manufactured through alcohol fermentation carried out by yeast. Yeast in bread does use alcoholic fermentation and produce carbon dioxide gas. The gas form bubbles in the dough which cause the dough to expand. Bubbles also leave small holes in the bread after it bakes. That is why bread has small holes in it. आज के लेक्चर का सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर है, डिफाइन फर्मेंटेशन एंड डिफाइन इट्स टाइप। आपको फर्मेंटेशन डिफाइन करना है और उसकी जो दो टाइप्स है वो आपने डिफाइन करनी है। तो ये इसका आंसर है, आपने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन और दोनों टाइप्स जो है उनकी डेफिनेशन यहाँ से नोट डाउन कर लिएगा। सो दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट फर्मेंटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।